राम राम जी, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं इसु गुजर और आप देख रहे हैं ब्रदर फिटनेस। आज की वीडियो है ना, बहुत स्पेशल होने वाली है जो जिम जाना चाहते हैं उनके लिए, और ये वीडियो उन सब के लिए भी है जो जिम जाते हैं, 2 दिन जाते, 3 दिन जाते और छोड़ देते। उनका रीज़न भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा, वो क्यों छोड़ते हैं और वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आप सीख पाएंगे कि आप जब पहले दिन जिम जाएंगे तो आपको क्या करना है, दूसरे दिन जिम जाएंगे तो क्या करना है। ये मैं आप सबके लिए एक सीरीज़ ही बना रहा हूँ जिसमें मैं आप सबके लिए कवर करूँगा टॉपिक, पहले दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन क्या वर्कआउट करना है। सो वीडियो लास्ट तक देखें तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या वर्कआउट करना है और कितना कितना वर्कआउट करना है। क्या होता है कि पहले दिन हम जाते हैं जिम में, एनर्जी पूरी रहती है, एनर्जी का लेवल 100 से भी सुई होती है ना, तोड़ने के लिए तैयार रहती है। सो क्या होता है, जोश में अनलिमिटेड वर्कआउट कर लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती, जो वो बॉडी पेन करती है ना, वही है मेन रीज़न हमारा वहाँ से क्विट करने का कि हम कंटिन्यू जिम नहीं कर पाते। और कुछ लोग जो हमारे भाई है, छोटे भाई है, न्यू जो वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं बट उन्हें ये नहीं पता क्या क्या वर्कआउट लगाए, तो ये उन सब के लिए भी है जो जिम जाना चाहते हैं और उन्हें वर्कआउट नहीं पता कि क्या क्या वर्कआउट करना है। सो आज की वीडियो आप सबके लिए थोड़ी खास होने वाली है। सो वीडियो लास्ट तक देखें और अच्छी लगे तो सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी है, जिम में आए हम सो बॉडी को गर्म करना जरूरी है और सारे जो हमारे पार्ट्स है बॉडी के वो खोलना जरूरी है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज ट्रेन करें तो हमें इंजरी ना हो, उसी के लिए मेनली वार्म अप किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल स्टेप्स में थोड़ा सा वार्म अप। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, ऐसे हाथ हिला सकते हैं, ठीक है, 5 से 6 रेपिटेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, उसमें हम लगाएंगे 15 से 20 सिंपल जंप, ठीक है। ऐसे आप अपनी कमर पे हाथ रख सकते हैं और जंप 1, 2। अब स्टार्ट करते हैं अपर टू लोअर वार्म अप, या आप नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। मैं आपको ऊपर से नीचे दिखा रहा हूँ। जैसे आप पहले गर्दन के लिए वार्म अप करें 10 रेपिटेशन, अप डाउन 10 रेपिटेशन। उसके बाद आते हैं हम अपने शोल्डर जॉइंट पे, इनका बहुत बड़ा रोल है अगर आप वर्कआउट करेंगे तो। ये मोस्टली जो एक्सरसाइज है सब में यूज़ होते हैं हमारे शोल्डर, सो इनका बहुत बड़ा रोल है, इनको अच्छे से वार्म अप करना जरूरी है। सबसे पहले बनाएंगे सर्कल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बनाने हैं, 5 से 6 रेपिटेशन, ठीक है। अब दोनों एक साथ बनाएंगे, बड़े सर्कल ही रहेंगे, इसमें भी दोनों आप करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आते छोटे सर्कल बनाएंगे हाथ से ही, 5 से 6 रेपिटेशन रहेंगी, इसमें भी वही रहेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों, ठीक है। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम एक हाथ ऊपर उठाएंगे एक नीचे रहेगा, चेस्ट अप रहेगी ऐसे। इसमें आपको 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें आप साइड में ऐसे टच करेंगे चेस्ट पे ऊपर और ये हाथ पीछे की तरफ, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, इसमें भी आपके 10 से 12 रेपिटेशन रहेंगे। अब मूव ऑन करते हैं हम अपनी जो लोअर बैक है उसको, सिंपल आपको क्या करना है, खड़े होना है, चेस्ट अप करनी है, हिप्स को थोड़ा सा पीछे करना है और ऐसे सिंपल जाना है। जो आपकी नीज है वो हल्की सी बेंड रहेंगी और ऐसे नीचे, ठीक है। इसमें आप 10 से 12 रेपिटेशन करें, आपकी लोअर बैक थोड़ी खुल जाएगी। फिर क्या करना है, सिंपल आपको टो टच ट्राई करने हैं ऐसे नॉर्मल, 10 से 12 रेपिटेशन। अब यहाँ से जो ऊपर का पार्ट है मोस्टली जो हमारा है वो वार्म अप हो चुका है। जो हमारा आगे का हिस्सा है ना, इसको हम पुशअप से, जो हम पुशअप्स लगाएंगे उसमें ये थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। अब बात करते हैं
जो हमारी थाइज है, जो हमारा लोअर बॉडी का हिस्सा, उसको कैसे करना है। ठीक है, सिंपल आए सुमो स्क्वाट्स पोजीशन में, हाथ रखे थाई के ऊपर और बस स्ट्रेच करना है, सिंपल। एक और देखिए, जितना आप वाइड करके रख सकते हैं, बस सिंपल आपको टो टच करनी है। इसमें आपकी लोअर बैक भी हो जाएगी और हैमस्ट्रिंग भी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल ऐसे टच करानी है। इसी पोजीशन में नेक्स्ट स्टेप है, जो आपकी एल्बोज है वो कोशिश करनी है फ्लोर पे टच कराने के लिए, ऐसे। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना वार्म अप काफ़ी है। जितना आप एडवांस लेवल की तरफ जाते रहेंगे, आप खुद भी सीखते रहेंगे और आपका वार्म अप भी और अच्छे होते चला जाएगा। अब बात करते हैं जो हम पहली एक्सरसाइज लगाएंगे ये वार्म अप करने के बाद। सो हम लगाएंगे सबसे पहले पुशअप्स। जितने आपसे लगते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको 50 मारने हैं, 100 मारने हैं, जितने आपसे लगते हैं 2, 4, 5, जितने आपसे लगते हैं, बट टारगेट रखें 10 पुशअप्स के लिए। सो ये देखिए कैसे लगाना है। मैंने पुशअप्स के लिए स्पेशली वीडियो बना रखी है कि आप कैसे पुशअप्स लगा सकते हैं। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, सो आप जाके चेक कर सकते हैं वो भी, अगर आपको पुशअप्स लगाना नहीं आता है। सो चलिए देख लेते हैं एक बार। ये है सिंपल स्टेप्स। इस ऐसे ही आपको 10 से 12 रेपिटेशन लगाने, सिंपल एक सेट लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, सिंपल एक सेट। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम लगाएंगे चिन अप्स। जो हमारी ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है वो खुल जाएगा, कमर भी खुलेगी, शोल्डर भी खुलेंगे, मेनली जो हमारे विंग्स है ना वो खुल जाएंगे। सो चलिए देख लेते हैं वो कैसे लगानी है। अभी देखिए हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो कैसे लगानी है, जिसमें हम लगाएंगे चिन अप्स। सिंपल आपको पकड़ना है, ठीक है, और कोशिश रखें कि ऐसे सीधा जाए एंड स्लो नीचे, ऊपर नीचे। इसमें भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 रेपिटेशन लगाने हैं, 20 रेपिटेशन लगाने हैं, एक सेट लगाए, जितने आपसे लगे 2, 4, 5 जितने रेपिटेशन लगे उतने लगाने, सिंपल। चिनअप्स लगाने के बाद हम सबसे पहली एक्सरसाइज लगाएंगे, जो हम लगाएंगे बेंच प्रेस। इसका भी सिंपल एक सेट लगाना है, 10 से 12 रेपिटेशन लगाना है। वेट जितना आप लाइट रख सकते हैं उतना रखें, ज़रूरी नहीं है इसमें आप एक ही दिन में चेस्ट फाड़नी है, क्योंकि एक दिन में बॉडी बनने से रही। सो ये देखिए क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। ठीक है, सिंपल है, 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं। अभी हम मूव ऑन करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो हम लगाएंगे लैट पुली। इसमें भी आपको एक सेट लगाना है, 10 से 12 रेपिटेशन होगी, लाइट वेट यूज़ करना है और जितना भी रखे बसल पकड़ के रखे, माइंड कनेक्शन होना ज़रूरी है। ये देखिए कैसे लगाना है, वाइड ग्रिप पकड़नी है आपको, ठीक है, सांस अंदर खींचनी है, इनहेल करके रखना है। जब ऊपर रेपिटेशन जाएगी यहाँ पे आएंगे तो ब्रीथ आउट करना है, ठीक है, खींचा नीचे छोड़ा, खींचा नीचे छोड़ा। बॉडी को कंट्रोल में रखे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करानी है बॉडी की। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अभी देखिए हमारी थर्ड एक्सरसाइज, जो हम लगाएंगे हम अपनी बाइसेप्स के लिए। इसमें आप लाइट वेट ही यूज़ करें, चाहे तो आप 2.5 किलो या 5 किलो तक जा सकते हैं। पहला दिन है, एक दिन में बॉडी नहीं बनेगी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, आज एक सीढ़ी कल दो सीढ़ी। सो सीढ़ियाँ एक एक चढ़ के ही फर्स्ट फ्लोर पे जाया जाएगा, ये नहीं कि आप डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे कूद जाएंगे। सो एम्प्टी बार से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मसल खोलने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो आपके आर्म्स है वो एक जगह होल्ड करने हैं, ऊपर लेके जाने हैं, फोर आर्म्स को मूवमेंट करानी है सिर्फ, नीचे ऊपर नीचे। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है,
जितना आप कंट्रोल करेंगे, स्टेबल रखेंगे, उतने आपके बाइसेप्स पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ पे भी होल्ड करके रख सकते हैं और यहाँ पे भी। मेन है कि ये मूवमेंट ना कराए, जब आप रेपिटेशन लगाए तो ये एक जगह रहे, आगे पीछे ऐसे ना हो, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो हम लगाएंगे अपनी ट्राइसेप्स के लिए। अभी देखिए हमारी फोर्थ एक्सरसाइज जो हम लगाएंगे ट्राइसेप्स, ये हम लगाएंगे केबल पुश डाउन, ठीक है। ये देखिए सिंपल कैसे लगाना है। सबसे पहले वेट ज़रूर चेक कर ले, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट सेट करना है, और आपका पहला दिन है, जितना लाइट रख सकते हैं उतना लाइट रखें। चलिए देख लेते हैं कैसे लगानी है। इसके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि आप ट्राइसेप्स पुश डाउन कैसे लगा सकते हैं और क्या क्या गलतियाँ करते हैं। सो वो भी मैं वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी आप जाकर चेक कर ले, ठीक है। इसके भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं। और एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में रीज़न ज़रूर बताएं कि क्या रीज़न है कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हम लगाएंगे शोल्डर के लिए फ्रंट शोल्डर प्रेस। अभी देखिए हमारी जो फिफ्थ एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए, बढ़िया एक्सरसाइज है। इसमें आपके जो शोल्डर है अच्छे से एक्टिवेट भी हो जाएंगे और वार्म अप भी अच्छे से हो जाएंगे, जो आपकी मसल्स है वो अच्छे से खुल जाएंगी। ये देखिए क्या करना है, वही रोड है जिससे हमने बाइसेप्स लगाया था। आप चाहे तो 7 फीट वाली रोड भी ले सकते हैं, जो ओलंपिक बार होती है 20 kg वाली। सो मैंने ये छोटी बार ली हुई है उससे। इसमें आपको क्या करना है, जितने आपके शोल्डर है उससे थोड़ा सा वाइड ग्रिप करनी है, ऊपर लेके जाना है बार, सिंपल स्लो नीचे लेके आनी है वापस ऊपर। और ध्यान रखें जो आपकी एल्बो है वो बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं करनी है, हल्की सी बेंड रहेंगी, और शोल्डर आपके एक्टिवेट रहेंगे हर रेपिटेशन में। अब मूव ऑन करते हैं हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो हम लगाएंगे लोअर बॉडी के लिए, वो होगी हमारी बॉडी वेट स्क्वाट्स, एयर स्क्वाट्स। ये देखिए कैसे लगानी है। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है कि आप एयर स्क्वाट्स कैसे लगा सकते हैं। जिन भाइयों को नहीं आता है लगाना, वो वीडियो जाकर देख ले, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो देखिए क्या करना है, सिंपल सिंपल ऐसे आपको 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं। जितनी भी मूवमेंट मैंने बताई है सबके आपको 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं। ध्यान रखें मसल पकड़ के लगाए, माइंड कनेक्शन होना जरूरी है। ये थी आज की पूरी वीडियो, जिसमें हमने सीखा है कि आप पहले दिन अगर जिम जाते हो तो क्या क्या वर्कआउट आपको करना है। सो बहुत से लोगों की क्वेरी रहती है ना, वो आज सोल्व हो चुकी है। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी सेकंड डे के वर्कआउट के ऊपर, कि आप दूसरे दिन जाकर जिम में कितना वर्कआउट करें और कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी हेल्दी टिप्स के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।